हेलो दोस्तों, HCS के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, यानी PCS की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जो स्पेशल क्लास वैकेंसी इसके तहत आती हैं, उनके लिए खुशखबरी है। UPPCS ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और जो हाल ही में जो चेंज हुआ है UPPCS में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, उसके विषय में अभी कोई डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही, यानी हो सकता है 1 या 2 वीक में वो अपना सिलेबस जारी कर दे। तो आज हम जो हमारी चर्चा का मूल विषय होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया है, जो वैकेंसीज हैं, उन सब विषय में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि विज्ञापन को क्या, कैसे और कैसे डील करना है। सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारी विज्ञापन की तिथि है, यानी आप कब से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो 3 मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैंक में शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल और फाइनल फॉर्म सबमिट करने की डेट है, यानी जिन लोगों का 3 अप्रैल के पहले शुल्क या 3 अप्रैल तक शुल्क जमा हो चुका है, उनको फाइनल फॉर्म भरना है कब, 6 अप्रैल 2023 को। तो कुछ चीज महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं और ये लगभग 8 से 10 पेज का नोटिफिकेशन है। तो मैं यही कहूंगा, जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं और जो लोग एग्जाम फॉर्म डालेंगे, तो कम से कम नोटिफिकेशन की डिटेल स्टडी आपको करनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको, आपके पास देखो PCS के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, सिलेबस होता है और नोटिफिकेशन होता है, और इसी आधार पर हम लोग PCS के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी लोग तैयारी, वो इसमें ना पढ़े कि नहीं एक शॉर्ट वीडियो देख लिया है, कुछ भी कर लिया, नोटिफिकेशन को क्लियरली जो भी उसमें चीजें मेंशन करी गई हैं उनको देखें, और जहां उनको उचित लगता है कि नहीं इन चीजों में मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो उनको, कई सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, है ना, तो वहां से उसको डिटेल कर सकते हैं। अभी हमारे पास PCS की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, फॉर्म थोड़ा लेट आया है, वरना फरवरी स्टार्टिंग में फॉर्म आ जाना चाहिए था, फिर भी देर आया दुरुस्त आया। और जो प्री का सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, प्री का सिलेबस वैसे ही है। प्री के सिलेबस में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट और GS सेकेंड। एक में 150 क्वेश्चन आते हैं, एक में 100 क्वेश्चन आते हैं। अब ये, इसको हम सामान्य भाषा में CSET कहते हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, एज इट इज, जैसे UPSC का पेपर होता है उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग के कुछ सवाल और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है इजी सा, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, 100 में से 33 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 73 नंबर के आसपास आपको लाने होते हैं और आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आप GS जो फर्स्ट पेपर है उसमें वही मूलभूत विषय हैं जो पहले होते थे, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक, और जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ठीक ठाक 25-30 क्वेश्चन, और करेंट इवेंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो इसका सिलेबस वैसे ही है जैसे पहले कभी हुआ करता था। जो चेंज हुआ है वो मेंस में, और बिग चेंज हुआ है क्योंकि आपके जो पेपर होते थे ऑप्शनल के, 2 पेपर होते थे, एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ता था, और प्री जब आप फॉर्म भरते थे उसमें फिल करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। उसकी जगह पर 5 और 6 पेपर बढ़ा दिए गए हैं, यानी 2 पेपर बढ़ाए गए हैं, जिसको GS पेपर 5 और GS पेपर 6 बोलते हैं, है ना। तो इनके संबंध में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने फॉर्म को समझ लेते हैं। देखो फॉर्म वैसे ही है जैसे हमेशा फॉर्म जारी होते हैं, ठीक है। फॉर्म में वही एज यूजुअल लास्ट डेट होती है, नाम भरना होता है, ठीक है, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, बैंक में शुल्क कैसे जमा होगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, SBI, अदर स्टेट बैंक, ठीक है, जो भी चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या डायरेक्ट जा करके बैंक में आप लोग उसकी चीजें कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपको समझ में, जिन लोगों ने OTR को सक्सेसफुली कर लिया है, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता था, तो वो लोग फॉर्म भरने में उनको थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि उनकी बेसिक डिटेल जो है, और बेसिक डिटेल में क्या है, नेम, मदर नेम, ठीक है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और क्वालिफिकेशन, कम से कम 10th और 12th की, ये सारी चीजें, मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्टेट,
कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से कर चुके हैं। और जिनका ओटीआर नंबर है, ठीक है, या ओटीआर नंबर उनको याद नहीं है, तो मेल यानी जो आपने जीमेल डाली थी, या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओटीआर डाला होगा तो ओटीआर एक नंबर रिलीज हुआ होगा और उसका पासवर्ड होगा, तो उसके माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन करके फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो तीनों अभी फिलहाल ओटीआर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए 31 मार्च के पहले ओटीआर को भी फिल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म में वन बाई वन हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो जो भी फॉर्म जिसको भी सबमिट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यूजर इंस्ट्रूमेंट व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई, अप्लाई पे जाकर के क्लिक करना है, और जिस हिसाब से वो जो भी चीजें मांगता है, कैंडिडेट रजिस्टर आपको करना है, नाम है अपना, आप डेट ऑफ बर्थ है, मदर फादर्स नेम है, ठीक है, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें जो बेसिक डिटेल्स हैं, क्योंकि चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, इनके बेसिक डिटेल ही मांगे जाते हैं प्री के लिए। मेंस में होता है तो फॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इसको जनरली डीएएफ बोलते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन मेन बेसिक डिटेल देनी है, बस ये याद रखना आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपने जो आईडी उपयोग किया है जिस आईडी के माध्यम से वो, उसके नंबर्स, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये सारी चीजें गलत मत भरना। गलत भरोगे तो अभी इसके बाद जो है फॉर्म एडिट करने के लिए आएगा, वो करना पड़ेगा, तो जो भी करना केयरफुली होकर करना। ठीक है, उसके बाद जो आवेदन शुल्क है, आपको आवेदन शुल्क सभी जानते हैं कितना है ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 100 रुपये परीक्षा शुल्क है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, यानी 125 रुपये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है, और 25 रुपये एज यूजल उनका फॉर्म फी अप्लीकेशन फीस है, जो आप दिव्यांगजन उनको नील है, सिर्फ उनको 25 रुपये जमा करने हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 रुपये और 25 रुपये, यानी इनका और एसटी का लगभग बराबर है। स्वतंत्रता सेनानी, महिला, कुशल, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ठीक है, महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, अगर जनरल की महिला है, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की महिला है, तो उनको कोई छूट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवाह किए गए हैं और उनकी प्रति विवरण अब समाप्त नहीं हुई है, उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना, अगर आपके काम की चीजें हैं तो उनको ध्यान से देखना। और इसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों को अपना फोटो, आईडी, ठीक है, ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ती हैं, तो वो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, वन बाय वन स्टेप बढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, और जो मोटी मोटी बात होती है ना, वो ये होती है कि जब आप सारी चीजें भरते हैं, एक सेकेंड, जब भी आप सारी चीजें फिल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना, एक प्रक्रिया होती है कि आपका आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार करने के संबंध उपरांत, यदि आयोग को यह पता पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र सबमिट किए हैं, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा सबमिट अंतिम आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा, शेष आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएंगे। देखो, होता यह है कि बहुत सारे लोग जब फॉर्म पहली बार भरते हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन को बाईपास करके न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिल करके फाइनल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपने पहले फॉर्म भरे होंगे, वो चाहे सही हो या गलत, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जो आपका लास्ट फॉर्म होगा ना, उसी के आधार पर आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। इन केस अन्य के भी कॉल लेटर जारी किए जाते हैं, तो जो आपने फॉर्म सही भरा हो, ठीक है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो भी इंफॉर्मेशन भरे वो फॉल्स ना हो, जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी क्वालिफिकेशन है ना, माता पिता का नाम है, एड्रेस है, तो ये इन सारी चीजों को थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, नेट, आरटीजीएस, अदर पेमेंट ऑप्शन है ना, यूपीआई वगैरह से, इनके माध्यम से आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या देखो, रिक्तियां क्या हैं, अभी फिलहाल जो रिक्तियां आई हैं वो 173 के आसपास हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये आगे चल के बढ़ जाएंगी, लगभग 350 या 400 के आसपास पहुंचेंगी। पहले क्या होता था, 250 के से कम रिक्तियां नहीं आती थी, इस बार रिक्तियां कम हैं तो आपका कंपटीशन ज्यादा होगा।
और परिस्थिति के अनुसार रिक्तियां घट भी सकती हैं, बढ़ सकती हैं, लेकिन जनरली चांसेज होते हैं कि बढ़ जाती हैं। ठीक है, ग्रेड पे वगैरह वो कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और जो देखो इसमें दो तरह के अवर और जो प्रवर होता है ना उसके अनुसार दो तरीके, एक तो पीसीएस प्री होता है, ठीक है, वो लोग नॉर्मल जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, 21 साल की उम्र है और 40 साल से कम उम्र के, तो 21 से 40 के बीच में जो भी लोग हैं वो पीसीएस फ्री का फॉर्म सिर्फ ग्रेजुएट होने पर वो भर सकते हैं। उसके बाद कुछ अदर, ठीक है, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा हाई स्तर की होती है उनके बारे में कहा गया, उसमें जैसे उपनिबंधक है वो विधि से स्नातक होना चाहिए, सहायक समायुक्त है उसको अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, वाणिज्य विधि, श्रम संबंध, इन संबंध में उन्होंने अर्हताएं अर्जित करी हो तो वो लोग ये भर सकते हैं, है ना। सहायक नियंत्रक विधि माप विज्ञान ग्रेड टू की वैकेंसी है, उसमें विद द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कहीं से भी आपने भौतिक या यांत्रिक अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग करी हो या भौतिक विज्ञान से पास किया हो, विधि अधिकारी प्रविधि, है ना, प्रविधिक सहायक, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो आप मिसगाइड ना हो, जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो वो पीसीएस प्री के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ओनली पीसीएस, और जिनको बोथ भरना है तो वो इनमें टिक कर सकते हैं, जो संबंधित योग्यता वो रखते हैं तो वो चीजें यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आई बात समझ में। और उसके बाद शारीरिक नाप वगैरह है तो वो सारी चीजें एज यूजुअल जैसे पहले होती थी वैसे अभी भी हैं। आयु सीमा क्या है, 1 जुलाई 2023, ठीक है, आयु जुलाई जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी, ठीक है, तो ये काउंट होगी। और इसमें क्या है, 21 वर्ष आपको पूरे होने चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, और पहले भी दे दिया है जिनका जन्म जो जुलाई 1968 से पहले ना हुआ हो, और जो लास्ट है इनका वो लगभग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिव्यांगजन के लिए ये डेट है और कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी ओबीसी हैं उनके लिए 2 जुलाई 1983 के पहले उनका जन्म ना हुआ, और इन लोगों को ये छूट है, ठीक है। 40 साल वैकेंसी है, ज्यादा यार कहाँ उतना सब होता है। कुछ सूचनाएं हैं, सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है, अनुदेश है वो आपको सीधे पढ़ने चाहिए। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको आपका जो एग्जाम है वो कब है, वो 14 मई को है, ठीक है। अब 14 मई को है तो इसका मतलब आपके पास टाइम लगभग 80-85 डेज बचे हुए हैं। आज कितनी है, आज 3 मार्च हो ही चुकी है, तो आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, यानी कम से कम टाइम बचा हुआ है लगभग 80 दिन मान के चलिए, यानी आपके पास 80 डेज बचे हुए हैं। अब 80 डेज में आपको जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर प्री के लिए, ठीक है, मेंस का जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, मेंस में क्या किया गया है, आपका निबंध का पेपर होता है, ठीक है, कितने नंबर का, 150 नंबर का। आपका सामान्य हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, ये भी कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का, यानी ये दो पेपर सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। उसके बाद जीएस के कुल 4 पेपर होते हैं, अभी 2 के विषय में सूचना दी गई है कि जीएस के अब 6 पेपर होंगे प्लस 2 ऑप्शनल हटने के बाद 2 पेपर ऐड हो गए, तो अभी ये जो 4 के है ना इनमें उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी सारी चीजें एज यूजुअल है, यानी इन 4 पेपरों में यूपी से रिलेटेड अब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये दो जो पेपर होंगे ना वो यूपी बेस होंगे, ठीक है, और इसमें कई सारी चीजें ऐड होंगी, डिटेल नोटिफिकेशन शायद आयोग 2-3 दिन में डालेगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, कुल मिला के 2 पेपर ये, 4 वो 6, और 2 और जो बढ़ेंगे ऑप्शनल पेपर हटने के बाद, तो कुल मिला के 8 पेपर देने हैं, 8 में से 6 पेपर वही हैं जो पहले होते थे, ओके, 2 पेपर नए हैं, इसका डिटेल सिलेबस आ जाएगा, उसकी चिंता मत करें, आप अपने लोग अपनी जो तैयारी है उसको धार दें, और कुछ नया नहीं होगा, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें होंगी आराम से, तो उनको ध्यान दें थोड़ा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ और चीजें आ जाती हैं आपके पास, अब उन चीजों में क्या किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है,
और उस चीज को मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब आपके सिलेबस को मैं डिटेल कर देता हूँ कि आपका कौन सा सिलेबस है और कौन सा सिलेबस नहीं है। अब सिलेबस में देखो, एक सेकेंड, वेट करना एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ, अब आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो आपका प्री का सिलेबस है ना, वो एज यूजुअल है, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर में क्या है, 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, सेकेंड पेपर में 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। इसमें को जनरली शी शैट बोलते हैं। शी शैट में क्या होता है, मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, हिंदी है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो सारी चीजें हैं ना, इनके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 67 नंबर के आसपास आपको लाने हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये आराम से हो जाता है। थोड़ा सा फोकस करेंगे आप, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जो आपका मेन होता है ना, वो जीएस फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। जीएस फर्स्ट पेपर में आपके वही एज यूजुअल क्या है भाई, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, और भी कई सारी चीजें हैं। तो वो क्या करेंगे, हम लोग डिटेल कर लेते हैं इसमें। क्वालिटी, लगभग 30 क्वेश्चन, इकोनॉमी लगभग 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री लगभग 35 क्वेश्चन, जियोग्राफी लगभग 20 क्वेश्चन, साइंस 20 से 25 क्वेश्चन। बेसिक साइंस अगर आपने एनसीईआरटी की ठीक से करी होंगी तो आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद एनवायरनमेंट, ईबीएस इसको कह सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आपको कितने सही करने हैं, लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने होते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा उन चीजों में जहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट में ठीक ठाक चीजें पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं नसी बेज में, तो ये मान के चलिए लगभग आपका 70% क्वेश्चन पेपर इन्हीं से मिल जाएगा। उसके बाद आप इकोनॉमी को थोड़ा करेंट इवेंट, कुछ योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बजट अभी उत्तर प्रदेश का आया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस करना, इसका जो करेंट एरिया है, ठीक है, 1-2 साल का, कुछ योजनाएं हैं जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वगैरह है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड पेपर है ना, उसको मैं डिटेल कर ही चुका हूँ। और उसके बाद मेंस का जो है ना, तो मेंस में निबंध और सामान्य हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या होता है, हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, का कुछ पोर्शन होता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अब तो पूछेगा नहीं क्योंकि उसके लिए पेपर अलग कर दिए गए हैं। जियोग्राफी जो भौतिक और पर्यावरणीय ज्योग्राफी है, उससे संबंध एग्रीकल्चर से पूछे जा सकते हैं। और हमारा समाज, यहाँ से
सेकेंड पेपर में अगर हम पॉलिटी की बात करें, सेकेंड पेपर में पॉलिटी सेक्शन शासन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, तो पॉलिटी में संविधान विकास, उसकी रूपरेखा, उसकी प्रस्तावना, उसके विभिन्न मुद्दे, विभिन्न संशोधन इस तरह के हो सकते हैं, शासन व्यवस्था से संबंधित मुद्दे आ सकते हैं, ठीक है, पारदर्शिता, जवाबदेही, तो वो सारे अभी मुद्दे चल रहे हैं, सिटीजन चार्टर है उत्तर प्रदेश के संबंध में, वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो AIR है, इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सोशल जस्टिस का टॉपिक है 200 नंबर के हैं, ये भी 200 नंबर का होगा। अगर थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में तुम्हारा GS, थर्ड पेपर में क्या होता है, इको, जिसको सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं, भारत के संबंध में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी क्वेश्चन इकोनॉमिक के फील्ड में विशेष रूप से पूछ दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या चाहे UPSC हो UPPSC हो। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस वही है एज यूजल जो UPSC है, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा लो है, ठीक है। जो UPSC का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, वो थोड़ा प्रगतिशील सोच वाला है। UPSC का पेपर थोड़ा सा रेशनल टाइप का है कि आपको चीज़ें रटनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा एक मुद्दा बन जाता है, ठीक है। और इसमें इन्वायरमेंट है, साइंस है, थर्ड पेपर में इन्वायरमेंट और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके चार सब्जेक्ट का, तीन सब्जेक्ट का सिलेबस है। उसके बाद जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ पेपर है, ठीक है, फोर्थ पेपर में क्या क्या पूछा जाता है तो वो देख लेते हैं। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उससे संबंधित मुद्दों से लेकर के जो केस स्टडीज होती हैं वो पूछी जाती है। कुछ विचारक हैं, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता है, उनसे संबंधित जो उनके विचार हैं वो कोट कर दिया जाता है। मान लिया कोई विचार दे दिया गया, मान लिया जैसे मनुष्य की परिपक्वता का अर्थ उस गंभीरता को प्राप्त करना है जो बचपन में खेल के समय होती थी, तो इस तरह की बातें कर दी जाएं और इससे संबंध में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये GS4 का टॉपिक है। GS4 में क्या होता है, एक तरफ होते हैं सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न का मतलब होता है कि कोई कथन दे दिया गया, उसको डिटेल करना है, सत्यनिष्ठा के बारे में, ईमानदारी के बारे में, ठीक है, करुणा के बारे में, दया के बारे में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरी में आती है केस स्टडी। केस स्टडी में आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है, उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 200 नंबर का होता है। तो कुल मिला के 300 नंबर सामान्य हिंदी और ऐसे के, 150 150, 800 नंबर, ये चार पेपर कुल मिला के कितने हो गए, 1100 नंबर हो गए। उसके बाद दो पेपर और होंगे जो GS, जिसका अभी सिलेबस नहीं आया है, 5 और GS 6, ये उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादातर संबंध रखते हैं, 200 200 नंबर के होंगे। कुल मिला के कितना हो गया, 400 हो गया, और इसमें 400 ऐड कर देंगे तो तुम्हारी मेंस जो होगी वो 1500 नंबर की होगी, प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो मेंस में आप जितना अच्छा कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सिलेबस नया है, कुछ हो सकता है इस बार मौके अच्छे हों आपके लिए, ठीक है, तो सिलेबस में आपको ठीक से अगर कवर कर लिया तो ये मान के चलिए आपने आधी जंग जीत ली। अगर सिलेबस आपने ठीक से कवर नहीं किया तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ से बाहर हो जाती हैं, तो उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान आप तभी दे पाओगे जब आप उन चीज़ों के बारे में थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलोगे। अगर ये सोचोगे कि नहीं सिलेबस आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो धरे की धरे रह जाओगे जैसे हर लोग, क्योंकि तो वैकेंसी कम होती है ना, और वैसे भी वैकेंसी ज्यादा आ नहीं रही है, तो ज्यादातर लोग फॉर्म डालते हैं, तो जिसकी तैयारी ज्यादा बेहतर होगी वो लोग क्या करेंगे, वो आराम से क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या ना, जो 175 वैकेंसी है, 175, तो लगभग 12%, यानी करीब 700-800 लोग मेंस देंगे, ठीक है, और लगभग 500 के आसपास मेंस वाली भर के, 400-500, यानी दो तिहाई तीन तिहाई, तो वो लोग इंटरव्यू देते हैं। और उसमें हार्डली क्या होगा, मान लिया 250 वैकेंसी है तो उसी हिसाब से उनको फिल किया जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, एक नंबर से कम में भी लोग फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके पेपर दिए गए हैं GS के चारों पेपर, दो पेपर जो ऐड किए गए हैं वो अभी थोड़ा देर के बाद लगे, लेकिन ये चार पेपर अपने मजबूत करिए। प्री आपके लिए अगर चैलेंज है, आप कई बार से फेल हो रहे हैं, तो प्री में विशेष फोकस करिए, कम से कम प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि
यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, किस प्रकार से उनको करेंगे, कौन से एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो करीब 60 ही ऐसी थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे की संभावना ज्यादातर रहती है, चाहे यूपीएससी हो यूपीएपीएससी, इनके एक फेवरेट टॉपिक होते हैं यूपीएससी वगैरह के, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको से एक दो दिन में डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा मैं खोजबीन कर रहा हूँ। लगभग 2000 कह सकते हो, 12 से लेकर के लगभग 2022 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं के आधार पर मैं एक डिटेल स्टडी बना दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आपका फॉर्म आया है, देर न करते हुए ठीक है उसको फिल कर दें, और जो भी प्रॉब्लम आती है, फोटो वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, ओटीआर नहीं भरा है तो ओटीआर को फिल कर दें, क्योंकि 2 दिन बाद ही ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज होता है, कम से कम 2 दिन लगते हैं। एक दिन फिल करोगे, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको ओटीआर नंबर मिलेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें लेट ना करें, उनको समय से रहते करें और उसके बाद अपनी तैयारी में फोकस करें। करीब अभी होली का भी टाइम है ना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, होली खेलें लेकिन एक सीमित समय के लिए, बीमार ना हो, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तो टाइम कम है आपके पास, हार्डली 84। पहले क्या होता था ना, पहले आईएएस का एग्जाम होता था ठीक है, मान लिया 28, अगर पिछले शेड्यूल की बात देखें तो 28 मई को मान लिया आईएएस का एग्जाम, तो लगभग जून के आसपास एग्जाम होता था पहले। अब क्या कर दिया गया है, 28 मई को आईएएस का है, उसके पहले यानी 14 मई को क्या कर दिया गया है, मेंस का, और उधर 18 के आसपास, 18 सितंबर जो है वो यूपीएससी का मेंस है, और लगभग 23 सितंबर से, एक दो दिन बाद से ही, या लगभग एक दिन छोड़ करके 23 सितंबर से मेंस स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू की लगभग वही जनवरी एंड फरवरी के आसपास, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन जनवरी फरवरी के आसपास इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो हार्डली प्री के लिए तो आपके पास लगभग 80 डेज बचे हुए हैं, वो आप फोकस करें बेसिक सब्जेक्ट पे, इधर उधर भागने की नहीं, ये कर लें वो कर लें, वो सारी चीज़ें छोड़ करके मेन चीज़ों पे फोकस करें। उसके बाद जैसे ही आप मेंस खत्म प्री खत्म करके उस पे आते हैं, तो आपके पास ऑप्शनल का दुजाम है नहीं, है ना। तो आप मेंस पे फोकस करें, आपके जीएस के 4 पेपर और अन्य, और ऑप्शनल हट गया तो ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट हुआ ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी होती थी, साइंस वालों को ज़्यादा नंबर मिल जाते थे, जिससे नुकसान की स्थिति में आर्ट वाले हो जाते थे। तो अब बराबर का मौका है, अब आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें बदलें, कुछ चीज़ों में आपको लाभ हो और कुछ चीज़ों में आपका नुकसान हो, तो वो सारी चीज़ें देख सुन करके अपने जो जीएस के पहले 4 होते थे, अब 6-7 पेपर हैं, उन पे विशेष फोकस करें, और जहाँ पर आपका स्ट्रेंथ एरिया है बहुत अच्छा है, वहाँ पर अपने वो स्ट्रांग पॉइंट को और मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें, और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर है ना और टेलीग्राम नंबर, सब डिटेल जो ये नोटिफिकेशन आया है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और यूपीपीसीएस की वेबसाइट से भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।